हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल देवनगी व्लॉग्स। और गाइस, अभी सुबह के 3:30 हो चुके हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड, यूके। मतलब मैं जा रहा हूँ, सब जा रहे हैं, मतलब मैं, मम्मी, पापा, गन्नू, मतलब सब जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है। मतलब पूरी फैमिली के साथ मैं, हम पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग कर, मतलब कभी कोई चले आता था, कभी कोई चले आता। तो कन्नू भी आ रखी है, तो कन्नू भी जा रही है, तो फिर अब कार में चलते हैं, क्योंकि अभी निकल ही रहे हैं हम, बस 5-10 दिन के लिए जा रहे हैं हम गाँव। तो चलते हैं, अपना सामान, ये स्टिक, ये बॉल और एक ऊनो भी रख लेंगे हम। भाई हम निकल चुके हैं, अंधेरा देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा हो रहा है, और जो उधर मुझे काली की दी रोशनी दिखने में लग रहा है ना। और किट्टू आके बैठी हुई है, किट्टू आए बोल दो। सो गई किट्टू, सो नहीं थी, उठी हुई है। और ये हमारी कन्नू डॉन, कन्नू बेटा नमस्ते बोलो। इधर मम्मी, और ये कहाँ गई गुन्नू, ये गुन्नू इधर लेटी पड़ी है, अंदर भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी तो मैं गाने सुनने जा रहा हूँ फोन में। तो अब बाहर गए, इसे जाला हो चुका है, और ये इधर जंगल जंगल ही है, दिखे इतने लोगों के बाहर। अरे ये लोग सब सो रहे हैं, यहीं किट्टू आ गया है, बोल रही है कि मुझे भी दिखा, कि इसको भूख भी लगने लग गई है। ये बैग जो है, ये फुल ऑफ थिंग्स है, माल पानी। तो गाइस, अब हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, कुंभ सिटी हरिद्वार। और अब तू ही बोल ले। हाँ, खाना पीना कर रहे हैं, पैकेट निकाल के खाना पीना कर रहे हैं। 2 घंटे में हम हरिद्वार पहुंच गए। चलो अभी आगे चल रहे हैं, बाहर खेत ही खेत है, मस्त व्यू आ रहा है, अभी दिखा रहा हूँ। तो गाइस, अभी हम नहीं पहुँचे हरिद्वार, मेरे को लिख रखा था बोर्ड में वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी, मैंने बोल दिया, और हरिद्वार नहीं पहुँचे अभी, तो रुड़की पहुँचे भी नहीं। और ये छगन व्लॉगर कन्नू, बीच में कैमरा अपना फ़ोन कैसे उड़ रही है स्नैपचैट के वीडियो के लिए पीछे, क्योंकि बहुत उधर गुड़ की खुशबू आ रही है, गुड़ की फैक्ट्री तो नहीं, गुड़ बनता है यहाँ पर, अजीब सी बात हो रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे पीछे देखो, खेत ही खेत हैं, ढक्कन में यहाँ की 10-12 भी नहीं। मम्मी बोल रही है हवा कहाँ से आ रही है, मेरी खिड़की खुली हुई है, मम्मी बोल रही है पापा की भी खिड़की नहीं खुली, दीदी की खिड़की नहीं खुली है, हवा कहाँ से आ रही है। पावर आता है इसका, और यहाँ पे क्या होता है, खुली हाथ ली है, यहाँ पे हम नीचे नदी बह के नाला बह रहा है पथाली। और ये हम आ चुके हैं गंगा में, मतलब इधर ओम बना हुआ है, इतना अच्छा व्यू, इतना मस्त। तो फिर चलिए, अभी चल ही रहे हैं, अभी तो बहुत घंटे लगेंगे गांव पहुँचने में। तो गाइज, अब हम पहाड़ों पे चढ़ चुके हैं, अब चढ़े पहाड़ों पे, और वहाँ का रोड स्टार्ट हो गई है। तो गाइस, अभी तो हम आगरा खाल में रुके हुए हैं, और अभी मैं कार में अकेला हूँ, और मैं कुरकुरे खा रहा हूँ अभी, गुन्नू और सब बाहर हैं। गुन्नू को तो उल्टी आ गई थी, मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी ना उसकी, तो फिर से उल्टी आ गई थी। यहाँ पे इतना बड़ा कुत्ता है ये, मतलब हम जब भी आते हैं ये तो रहता ही है इधर, इतना बड़ा सा है, बाल भी हैं इसके इतने ज़्यादा, देख के बता रहा हूँ,
मतलब दिख रहा है मेरे सामने है, इतना बड़ा भाई, बड़ा भी और इतना बाल से लग रहा है ज़्यादा तो बड़ा। और ये इधर सारे फ्लेवर के ब्रांड के सारे, तुम एक लीची है, एक माल्टा है, एक ब्रांस है, और कौन सा है, बस यही है, और एक ग्रीन कलर का भी है, पता नहीं कौन सा। तो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं एक जगह में, यहाँ से खाड़ी है ये शायद, और नीचे पानी है, तो हम जा रहे हैं उधर नहाने। ये देखिए पानी तो ये रहा, तो अभी चलते हैं नीचे। रास्ता कैसे है, मैं कहीं गिरा ना। वेयर इज द रास्ता, पता नहीं कौन सा है, हम तो बड़ा खतरनाक रास्ता है हमारी इधर पट दस, जहाँ से हम पहले मतलब भयंकर गिरता अभी मैं। तो अब हम जा रहे हैं जल्दी में, बहुत ये जल्दी क्यों, ये रिकन्नू अब ये बनाएगी अपना काम, उल्टे काम करेगी, शॉर्ट्स बनाएगी। तो गाइस पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है पानी, ये दोनों उतर रहे हैं, गुन्नू तो चले गई, चाची और ये रे, भयंकर ठंडा, ठंड। तो गाइस अब हम आगे निकल चुके हैं, अब चंबा पहुँच चुके हैं। तो गाइस ये देखिए, ये यहाँ पे हमारी दुकानें हैं बनी हुई, और ये रास्ते है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं, ये डर के इधर खड़े हो चुके हैं, सारे छिपकली है ना यहाँ पे, चले छिपकली बढ़िया डर, चलो चलते हैं। ये इतना बड़ा कम्बल सर, ये हम उससे अभी तो बहुत ऊपर है चलने के लिए, चलो। तो गाइस अभी हम मतलब घर में पहुँचते निकले तो नहीं है, थोड़ा लेट रखे थे हम, ये फ़ोन चला रहे थे, तो मैंने इनका जैसे तैसे फ़ोन बंद करवाया, और इनके लेके जा रहा हूँ मैं घर के पीछे के रास्ते से, कहीं चलते हैं। सांप भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में निकलते हैं सांप, मेरे को डर क्यों लग, मेरे को डर लग रहा है। चलते रहो चलते रहो, पूरे डे मतलब जो सूखी घास होती है उनको बांधते हैं, फिर ऐसी सी शेप बना देते हैं। किधर ये मैडम बन रही है किट्टू ज़्यादा ही। तो गाइस सब 5 बज चुके हैं, और मैं भी सो गया था, 12 बजे ही मतलब हमने लंच कर लिया था। क्या हो गया, ये पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ, गला बंदा अलग हो गया मेरा, वीडियो कॉल के चक्कर में मुझे बुलवा रहे हैं। नीचे खेत में बीन्स लगी हुई सारी, बकरियों की आवाज़ आ रही है इतनी ज़्यादा। तो मैं कह रहा था कि मैं सो गया था 12 बजे, क्योंकि हमने लंच कर लिया था, फिर सो गया था मैं, फिर अभी उठाऊँ 12 बजे तो नहीं सोया होऊंगा, 1 बजे तक सोया होऊंगा, 1-2 बजे तक। तो फिर अब उठ चुके हैं और सीधा बाहर निकल चुका हूँ मैं, देखते हैं उधर ही जाते हैं वापस, उस जगह पीछे गए थे ना वहाँ पे जाते हैं वापस। हर जगह तोतों की तो कमी नहीं है, तोतों की ये देखें पीछे इस पेड़ में तोते ही तोते हैं बहुत सारे। तो गाइस इधर हम गलत रास्ते पे आ चुके हैं, और इधर चीड़ की घास पड़ी है, देखो ये ज़मीन पे गिरी हुई है ना सूखी हुई, तो इसमें फिसलते हैं, और हम ऊपर आ चुके हैं पता नहीं कहाँ अकेले अकेले। तो फिर यहाँ से अब आगे मतलब रास्ता तो है जाने का, पर वो पाले गांव जा रहे हैं, मतलब हमारा जो गांव है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अब यही सोच लो, तो वो दूसरी तरफ जाने का है, पहाड़ों कैसे वो ये दोनों देख लो। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर टू योर रिलेटिव्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल देवनगी व्लॉग्स, मीट योर नेक्स्ट व्लॉग, बाय।